बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत मज़ेदार रेसिपी जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, लोगों का मेरे हाथ की बेइंतहा पसंद थी, आज वो सीक्रेट आउट हो रहा है। वो रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आपको बताती हूँ। वो हैं मूंग या माश के दही बड़े। आज मैं मूंग से बना रही हूँ। आप चाहें तो मूंग और माश दोनों मिला के बना सकते हैं, या सिर्फ माश के बना लें या सिर्फ मूंग के बना लें। रेसिपी कुछ यूँ है कि मैंने एक प्याज बड़ी है वो 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डालें, कम डालना चाहे कम डालें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा। अभी तक देखिए 4 इंग्रेडिएंट्स गए हैं, क्या क्या? प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक, और ये गया 1 अंडा। ठीक है, इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। पानी हमारे पास रखा है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम पानी डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में पीस लेंगे। ये जो है ये 1 से 1.25 कप के लिए बहुत है मेरे ख्याल में। मुझे थोड़ा सा पानी डाल ही लें क्योंकि वैसे भी हमें 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। बारीक पीसना है इसको। ये बारीक पिस गया है। ये मेरे पास 1/4 कप के करीब मूंग का आटा है, इसके अंदर मैं ये डालूंगी। थोड़ा सा पानी साफ करके वो डालेंगे। पहले मैं इसको ऐसे ही घोल दूँ और इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि मूंग की दाल अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ये आप देखें, जब हम तलने लगेंगे तो इसमें जितना मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी उसको खूब अच्छी तरह फेंटेंगे भी। अभी फेंटने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मूंग की दाल अभी इसका पानी, अभी पानी और पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा पतला करेंगे हम इसे, पानी थोड़ा सा और पड़ेगा इसमें, ये देखिए। क्योंकि अभी मूंग की दाल, अब जब दोबारा इसको देखेंगे तो आप कहेंगे लो तो उन्होंने पतला पतला किया तो ये फिर इतना गाढ़ा हो गया। मूंग की दाल जस्ट करेगी और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैं इसको फेंट नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ इसको मिक्स करके हम इसको 1/2 घंटे के लिए रख रहे हैं। 1/2 घंटे के बाद जब इसके बड़े बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये है मेरा सीक्रेट, जो अंडा, प्याज और मैं अदरक, हरी मिर्च और ये डालती हूँ, इसकी वजह से मेरे बड़े बहुत नरम होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा कैसे बने। अब इसको 1/2 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं और 1/2 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें 1/2 घंटा हो चुका है। अब आप उस पर देखें कितना पतला था और ये भी कितना थिक हो गया है। थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको पतला करेंगे, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सा फेंटेंगे। आप ये मूंग की दाल के साथ भी कर सकते हैं, यही सब चीज़ें डाल के मूंग की दाल को भिगोएं या माश की दाल को और उसके साथ इसको बना लें। मैं थोड़ा सा सोडा डालूंगी ताकि अंदर कोई गुटली उटली ना पड़े, वैसे तो अंडे की वैसे गुटली नहीं पड़ती है, बस 1 चुटकी सोडा डाल के इसको भी फेंट लेंगे और इसको हम चम्मच से डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी और पतली करेंगे ताकि इसके अंदर जाल तैयार रहे। थोड़ा नीचे भी गिर रहा है लेकिन कुकिंग के दौरान ये सब काम होते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको चम्मच से कैसे डालना है। भाई ये हमारे पास गर्म है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाइएगा वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए एक चम्मच हमने उठाया, यूँ डाल के थोड़ा सा फैला दिया। ये देखिए ऐसे ही मोटे मोटे भी नहीं होते। अब ये आराम से होते रहेंगे। आज थोड़ी सी तेज कर देते हैं, तकरीबन 3 से 3.5 मिनट इसको हमने पका लिया। एक साइड हो जाएगी फिर टर्न करेंगे।
ये देखिए दही है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी क्रीम एक डब्बा, और आधा कप मैं इससे कुछ कम में डालूँगी चीनी। फिर मैं चीनी चेक कर लूँगी, अगर हमें ज़रूरत है तो हम और डाल देंगे। इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड पे ये आश के दही बड़े भी हो रहे हैं, तो देखिए मैं पलट रही हूँ। ये देखिए साइज़ देखें किस तरह गोल बिल्कुल आराम से बने हैं। कुरकुरे बड़े मज़े के होते हैं, ये फ्रेश खाए ना तो बहुत मज़े के लगते हैं कुरकुरे। कुरकुरे दही फट जाता है, बस यही चीज़ें डालनी थी। और मैं इसको ये देखें जो कुछ हो गए हैं वो मैंने पानी में भिगोया हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपको इसकी असेंबलिंग दिखाती हूँ। सारे बड़े हो चुके हैं, चूल्हा हम ऑफ करेंगे और इसको यहाँ डालेंगे। दही का भी मैंने आपको दिखाया था, आधा कप चीनी और एक पैकेट क्रीम डाल के मैंने इसको बिल्कुल क्रीमी सा कर लिया। अब हमने एक तह बिछा दी है, 7 दही बड़े बिछा दिए हैं, इसके ऊपर हम ये गाढ़ी क्रीमी दही डालेंगे। आप चाहें तो दूसरे से थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह ज़्यादा बेहतर लगती है, ठीक है ना। एक तह हो गई, इसके बाद हम बकिया पानी निकाल के निचोड़ के, थोड़ा पानी गर्म हो रहा है, जो गरम गरम चूल्हे से जाते हैं तो ज़रूरत इस पानी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ये हो गया, अब इसके ऊपर एक दही बड़े की और जगह बन जाए तो पूरा 1.5 दर्जन हो जाएगा। अच्छी तरह हमने कवर कर दिया, और थोड़ा सा दही बड़े मसाला जो मैंने आपको बनाया बताया है इस पर छिड़क देंगे। ये देखिए मज़ेदार मीठे दही बड़े तैयार हैं। जब टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। यकीन करें मेरी सारी रेसिपीज़, एक एक रेसिपी जो है मेरी हज़ार हज़ार दफ़ा की आजमाई भी है। तो आँख बंद करके आप ये रेसिपीज़ बनाइए और मुझे दुआएं दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।